नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती आजाद और आप देख रहे हैं खबर तहलका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के तीन ओएसडी और तीन सलाहकारों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ये तीनों बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकारों में राजीव जैन, अमित आर्य और प्रधान राजनीतिक सलाहकार दीपक मंगला ने भी इस्तीफा दिया। इन सभी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 18 और 20 सितंबर को मुख्यमंत्री को इस्तीफे सौंपे गए थे। मुख्यमंत्री ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लिए और इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों में टिकटों की मारामारी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा में टिकट के लिए सबसे ज्यादा रस्साकसी चल रही है। भाजपा में हर एक सीट पर दर्जन भर दावेदार है। 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के पास पांच पांच सीरियस उम्मीदवार लाइन में हैं। इन उम्मीदवारों की छटनी किसी चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन हालांकि कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि टिकट एक को ही मिलेगा, बाकी दावेदारों को उसका साथ देना है, लेकिन दावेदारों का एक सूत्र में बंधे रहना इतना आसान नहीं है। उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने के लिए अब तक आधा दर्जन बार बैठकें हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। इनमें से कुछ पर कई मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि कुछ सीटें ऐसी भी है जहां विरोधी राजनीतिक दलों कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देखकर भाजपा अपने उम्मीदवार फाइनल करना चाहती है। 10 विधानसभा सीटों पर पार्टी गफलत की स्थिति में है। इन सीटों पर आरएसएस ने पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं के नाम सुझाए हैं, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल जीतने वाले को ही टिकट देने की है। पंचकुला सेक्टर 6 के जनरल अस्पताल में चल रहे एमआरआई एंड सिटी स्कैन सेंटर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां टेक्नीशियन 59 साल के बुजुर्ग राम मेहर को एमआरआई मशीन में डालकर भूल गए, जिसे किसी ने बाहर नहीं निकाला। इस बीच मरीज ने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन बेल्ट बंदी होने के कारण वो हिल भी नहीं पाया और जब उसे लगा कि उसकी जान जाने वाली है तो उसने आखिरी बार जोर लगाया, जिससे बेल्ट टूट गई और वो मशीन से बाहर निकल सका। पीड़ित मरीज ने कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही की शिकायत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, डीजी हेल्थ डॉक्टर सूरजभान कंबोज और सेक्टर 5 स्थित पुलिस थाने में दे दी है, जिसमें उसने ये भी लिखा है कि यदि मैं 30 सेकंड और बाहर नहीं आता तो मेरी मौत निश्चित थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि टेक्नीशियन ने मरीज को बाहर निकाला, ये देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाएगी। सेंटर इंचार्ज अमित खोकर ने बताया, मैंने टेक्नीशियन से बात की है, पेशेंट का 20 मिनट का स्कैन था, टेक्नीशियन को लास्ट 3 मिनट का स्कैन लेना था, लास्ट के 2 मिनट बाकी रह गए थे, मरीज को पैनिक क्रिएट हुआ और वो हिलने लग गया, उसे हिलने के लिए मना किया गया था, टेक्नीशियन दूसरे सिस्टम में नोट्स चढ़ा रहा था, जब 1 मिनट बाकी रह गया था तो टेक्नीशियन ने देखा कि मरीज आधा बाहर आ गया था, जिसके बाद टेक्नीशियन ने ही मरीज को बाहर निकाला। पंचकुला सहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के 22 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पंचकुला से आप ने योगेश्वर शर्मा को मैदान में उतारा। अभी कुछ दिन पहले ही योगेश्वर शर्मा ने पंचकुला विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन किया था। शक्ति प्रदर्शन में हरियाणा में आपके सह प्रभारी व दिल्ली से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन की रिपोर्ट व पिछले 5 सालों में फील्ड में की गई मेहनत का फल योगेश्वर शर्मा को मिला। योगेश्वर द्वारा लगातार भाजपा की जनविरोधी गतिविधियों में नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम जारी रहा। साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए विकास कार्यों व पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। इसी के आधार पर योगेश्वर शर्मा को पार्टी की टिकट हासिल करने में कामयाबी मिली। पानीपत के गांव खुकराना की झीलों में पिछले 1 महीने से तेंदुआ घूम रहा है। तेंदुए का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 3 दिन पहले इसकी जानकारी मिली है, 2 से 3 तेंदुए होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने जंगल में 2 जगह जाल लगाकर बकरी को जाल में छोड़ा ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके।
हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूले, ताकि आपकी हर राय हम तक पहुंच सके। नमस्कार।